एक बार फिर से राजधानी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी ने विशिष्ट न्यायाधीश के पीए अर्जुन लाल जाट को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं आरोपी के घर की तलाशी में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। एसपी आलोक चंद्र शर्मा ने बताया कि पीए अर्जुन लाल जाट के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली। इस पर आपको बता दें कि 14,03,000 रुपए का एमएसीटी क्लेम स्वीकृत करवाने के एवज में 10% रिश्वत लेने की सूचना को पुख्ता किया गया और ये रिश्वत की रकम अधिवक्ता विजय कुमार से दलाल प्रदीप कुमार को दी जानी थी। इसके बाद एसीबी ने वीकेआई क्षेत्र में अर्जुन लाल जाट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं घर की तलाशी के दौरान 2 गैस एजेंसी, 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 2 फ्लैट और साथ ही 10 आवासीय भूखंड और 8 बीघा जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए। और फिलहाल एसीबी की टीम इस मामले की लगातार तफ्तीश में जुटी है। जयपुर में कोर्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी गवर्न कोर्ट, उसमें एक रीडर है अर्जुन लाल जाट। अर्जुन लाल के विरुद्ध शिकायत, गोपनीय शिकायत मिली थी मुख्यालय को कि ये एमएसीटी क्लेम्स पास कराने के एवज में और अन्य कामों के एवज में भी रिश्वत लेता है। तो जिस पर एक क्लेम कोई उसके 10% राशि ये रिश्वत के रूप में ले रहा था, तो उसकी पहली किस्त के तौर पर 80,000 रुपये लेते हुए कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया और जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा था प्रदीप शर्मा उसको भी गिरफ्तार किया है। एक अन्य व्यक्ति इसमें फरार है।